आज भी अमेठी में है जहां वो भाई राहुल गांधी के प्रचार में जुटी हैं। लोगों से मिलने के दौरान प्रियंका एसपीजी घेरे को भी तोड़ने से परहेज नहीं कर रही है। कल प्रियंका एसपीजी घेरे को तोड़कर लोगों से मिली। प्रियंका ने कल प्रचार के दौरान एसपीजी को दूर रहने को कहा। कम सुरक्षा दायरे में करीब वो 45 मिनट रही। यूपी पुलिस इस मामले में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेगी। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की सबसे ताजी तस्वीर है। देखिए, अमेठी में प्रियंका राहुल के लिए वोट मांग रही हैं। 7 तारीख को चुनाव है, मालूम है सबको? 7 तारीख मालूम। किसको वोट दोगे? क्योंकि राहुल जी मेरे भैया। अब प्रियंका को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते देखिए। यहाँ भी सिक्योरिटी में एसपीजी वाले नहीं दिख रहे। अमेठी में आज प्रियंका की गाड़ियों का काफिला निकला। आगे यूपी पुलिस की गाड़ी, पीछे भी यूपी पुलिस की गाड़ी। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने प्रियंका से सिक्योरिटी पर सवाल पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। दरअसल अमेठी में राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी और बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बिना सुरक्षा के चलते हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए प्रियंका ने अपनी सुरक्षा से एसपीजी को हटा दिया है। लेकिन शाम होते होते वो एसपीजी के सुरक्षा के घेरे में वापस आ गई। मिथिलेश कुमार सिंह, अमेठी, इंडिया न्यूज़।